अगर ट्रैक्टर के डीजल फिल्टर से बच बचा कर कोई धूल का कण फ्यूल इंजेक्टर तक पहुंच जाए तो इंजेक्टर से बनने वाला फ्यूल पैटर्न कुछ इस तरह का होगा, या ऐसा भी हो सकता है। इसकी तुलना आप इस पैटर्न से कर सकते हैं, बिल्कुल बारीक और सभी दिशाओं में बराबर। आओ दिखाता हूं कि आप इसे चेक कैसे करोगे। सबसे पहले फ्यूल इंजेक्टर के पास की सारी धूल साफ कर लो, उसके बाद तेल आने और जाने वाले रास्तों को डिस्कनेक्ट कर दो, उसके बाद वाल्व को खोल के उल्टा लगा दो और फ्यूल लाइन को वापस कनेक्ट कर लो। बिना लोड के कम रफ्तार पर इंजन को स्टार्ट करो और आपको मिलेगा इंजेक्टर वाल्व से निकलने वाला स्प्रे, जिसे देखकर आपको फ्यूल इंजेक्टर वाल्व की सेहत का पता लग जाएगा। अब कुछ जरूरी जानकारी, अगर आप टैंकर या ड्रम में तेल खरीदते हैं तो 24 घंटे से पहले उसे इस्तेमाल ना करें। तेल तो हो गया, अब हवा और पानी की बारी। एयर फिल्टर को रेगुलर साफ करें, बहुत से धूल के कण उससे होते हुए बेस में भरे हुए तेल तक पहुंच जाते हैं। कुछ घंटों के धूल भरे काम के बाद वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। अब बात करते हैं पानी की। रेडिएटर या कूलिंग सिस्टम में साफ पानी का इस्तेमाल करें और चूने के कणों पर नजर रखें। उदाहरण के लिए ये देखें, एक धातु की प्लेट पर पतली चूने की परत 4 इंच मोटे धातु के टुकड़े के बराबर गर्मी को रोकती है। अगर रेडिएटर में चूना जमा हो जाए तो इंजन ठंडा नहीं होगा और हीट होगा खराब भी हो सकता है। बस आज इतना ही। अब आपके लिए सवाल, ट्रैक्टर में दोनों टायर्स के ब्रेक कंट्रोल अलग अलग क्यों होते हैं?